हाय फ्रेंड्स, अपना किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं मैंगो मिल्क शेक। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही मैंगो शेक हम लोग आज बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। फ्रेंड्स, ये देखिए, मीडियम साइज़ का एक पका हुआ आम लेंगे, 4 चम्मच चीनी, 1 कटोरी आइस क्यूब, 1 गिलास दूध, थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़े से कटे हुए बादाम, इन सारे चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आम को छील लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, आम अच्छा से पका होना चाहिए। जितना अच्छे से आम पका रहेगा, उतना ही टेस्टी मैंगो मिल्क शेक लगेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए आम अच्छे से छिल गया है। अब हम लोग इसके छिलके को साइड में कर देते हैं और दूसरे प्लेट में हम लोग चाकू के हेल्प से मैंगो को इस तरह से पतला पतला स्लाइस बना लेते हैं। और गुठली को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए स्लाइस बन गया है। अब मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम लोग आम के स्लाइस को डाल देंगे। और ढक्कन लगा के एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध एक ही बार नहीं डालेंगे, पूरा थोड़ा सा ही डालेंगे। और ढक्कन लगा करके दूसरी बार इसको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बार ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें पूरा दूध डाल देंगे जो बचा हुआ है। आइस क्यूब डाल देंगे और चीनी भी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से लिक्विड पेस्ट बन ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, हमारा मैंगो मिल्क शेक रेडी है। अब इसको हम लोग सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ना कितना इजी है बनाना। इस तरह से रोज़ बना के पिए जब भी आपका मन करे, और आपके घर कोई मेहमान आया है तो उनको भी पिलाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको काजू और बादाम से गार्निश कर देते हैं। तो हमारा मैंगो मिल्क शेक एकदम रेडी है। इस तरह से ट्राई ज़रूर करें।